एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरस दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। जयपुर डेयरी प्रशासन ने दूध की दरें बढ़ा दी है। सरस गोल्ड, स्टैंडर्ड दूध और सादा छाछ के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर का पैक अब 27 के बजाय 28 रुपए में मिलेगा। 1 लीटर का पैक 54 के बजाय 56 रुपए और 6 लीटर का पैक 336 रुपए में मिलेगा। सरस स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर का पैक 24 रुपए के बजाय 25 रुपए में मिलेगा। 1 लीटर का पैक 48 रुपए के बजाय 50 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। छाछ का आधा लीटर पैक 13 रुपए के बजाय 14 रुपए में मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा बिकने वाले सरस टोन दूध की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बुधवार शाम की आपूर्ति से ये नई दरें लागू होंगी। बढ़ोतरी के पीछे डेयरी प्रशासन ने लागत मूल्य और अन्य खर्चों का तर्क दिया है। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये माने कि उसका असर अब दूध पर भी पड़ने लगा और इसी वजह से दाम बढ़े हैं? जी विजय, देखिए बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि डेयरी प्रशासन ने भी यही तर्क दिया है। और जो सरस स्टैंडर्ड दूध है और सादा छाछ है, उसकी दरों में जो बढ़ोतरी है वो करीब 2 साल के बाद की गई है। इससे पहले 2019 में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि गोल्ड दूध की जो दरें हैं वो करीब 3 माह पहले भी बढ़ाई गई थी, तो गोल्ड दूध की दरें लगातार बढ़ रही हैं। और सरस स्टैंडर्ड दूध है वो करीब 2 साल बाद बढ़ाया गया। और डेयरी प्रशासन का तर्क ये है कि लागत मूल्य बढ़ा है, दूसरे खर्चे जो है वो भी बढ़े, और वित्तीय भार बढ़ने की वजह से डेयरी प्रशासन को 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अब जो सरस गोल्ड दूध है वो 54 के बजाय 56 रुपये में मिलेगा। सरस स्टैंडर्ड दूध जो दूध है वो 48 के बजाय 50 रुपये में मिलेगा। और छाछ की जो पैक होता है आधा लीटर का, वो भी अब 13 के बजाय 14 रुपये में मिलेगा। काशीराम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साथ।